अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग यही है कि कुछ करने को नहीं है, घर में भी मतलब बैठे हुए हैं। तो ये घर के पास पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क, तो सोचा उधर ही चल के कुछ बना लेते हैं या देख लेते हैं। तो सात कज़न हैं मेरे और फिर वहाँ जाके मिलते हैं। हाँ जी, तो आ गए हम ये गुलशन पार्क। ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ये पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। वैसे तो इतना हम आज तक वैसे पूरा पार्क नहीं देखा, हमारे घर से तकरीबन 5 मिनट के रास्ते पे है। यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, मतलब कराची से भी आते हैं तो इधर आते हैं, मतलब नहीं लाहौर से बाहर जो आते हैं वो इधर ही आते हैं। और मतलब दूर दूर से, लाहौर में भी दूर दूर से, तो हमारे घर के करीब है तो हम आते नहीं है। बाकी आपको अब दिखाते हैं ये पूरा। अभी इस पार्क में इतने लोग आते हैं लेकिन अभी भी रश है, मतलब रश होना शुरू हो गया है काफी। अच्छा, भी रश हो गया है बहुत, मतलब ये फैमिली पार्क है, बहुत अच्छा है। तो अब हम जो है क्या कहते हैं, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा करें क्या मतलब इधर। तो अब हम जा रहे हैं बोटिंग में, उसके बाद फिर लॉजिंग कार। बस यही दो चीज़ें जो मुझे यहाँ पर पसंद है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं पसंद। एक बैड सीन हो गया है, मैंने कहा था कि बोटिंग मुझे पसंद है जो मैं इधर करता हूँ, जो मतलब पहले की थी 5-6 साल पहले, तो मैंने कहा चलो आज फिर कर लें। लेकिन इधर क्या कहते हैं, ये इधर बोट्स होती थी वो ख़त्म कर दी हैं उन्होंने, किस वजह से की। तो अब लॉजिंग कार देखते हैं, सुनने में तो आया वो भी ख़त्म हो गई है, तो देखते हैं अगर वो हुई तो वो करेंगे। ये जो है पटरी ट्रेन है, इधर कहाँ ट्रेन वो जा रही, वो ये ट्रेन जा रही है। और अब देखते हैं कि कौन सा झूला झूले। यस अब ये जा रहे हैं, देखते हैं, बस डॉजिंग कार खुली होगी अगर तो वो ही झूल लेंगे, बाकी तो सारे जो है ना मुझे झूलों से चक्कर आते हैं, तो बाकी कोई झूला नहीं झूलता मैं, सिर्फ डॉजिंग कार। और सिर्फ डॉजिंग कार ही, मतलब गिर जाएगी यार, पागल है, पकड़। ओए एक मिनट भाई, नहीं बॉस प्लीज, एक मिनट पकड़ ले जैकेट, एक मिनट पकड़ ले। तो ये जो है क्या कहते हैं, अब देखते हैं इधर के क्या सीन है, क्या है मतलब। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब समझ ही नहीं आ रही मुझे क्या बोलूं, कोई बंद ही पड़े हैं सारे, कोई झूले, पता नहीं क्या हुआ है। आया भी मैं 5 साल बाद ही हूँ, तो बोटिंग जो करनी थी वो तो हुई नहीं, नसीब खराब है। दूसरा आप डॉजिंग कार देखते हैं, अगर वो हुई तो वो कर लेंगे, वरना फिर थोड़ा सा पार्क दिखाएंगे आपको, अभी तो देखा ही नहीं है, मतलब डायरेक्ट उधर गए हैं बोटिंग में और इधर आ गए, थोड़ा सा फिर पार्क दिखा के घर चले जाएंगे। ये आ तो गए हैं सामने, ये सुपर कार डॉजिंग कार है, तो अब देखते हैं, मुझे लग रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल के, बंद है क्योंकि सुनसान ही है, पूछते हैं बाकी इनसे आके। भैया नहीं, डॉजिंग कार खुली है, बंद है? खुली है। अच्छा खुली है, तो टिकट दे दें फिर दो। चलो शुक्र है कि डॉजिंग कार खुली है, तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब शुक्र है कि डॉजिंग कार खुली भी है,
अब क्या करना है, डॉजिंग कार लेंगे और क्या करेंगे? के डॉजिंग कार तो खुली है, वो कह रहे हैं आपने जाना तो दो बंदे बस हम जाएंगे, तो दो बंदों में तो हमें मजा भी नहीं आएगा है भाई। दो बंदों में जाना? नहीं नहीं, दो बंदों में मजा क्या, दो बंदों में मजा नहीं आएगा। तो ये है, वो कह रहे हैं टिकट आप ले लो, तो कोई आ गया तो चले जाना, मैंने दो में चलेगी, दो में क्या मैं इसको टक्के मारूंगा, ये मुझे मारेगा, तो ऐसे नहीं। तो कह रहे हैं कि आप वेट कर लें असर की नमाज मतलब 5 बजे तक। अभी क्या टाइम हो रहा है, 4:10 हो रहे हैं, तो अभी 4:10 हो रहे हैं, तो तकरीबन 5 बजे तक अगर रश हुआ तो डॉजिंग कार लेंगे, मैंने डॉजिंग कार भी कैंसिल, क्योंकि दो बंदों में मज़ा ही नहीं आएगा। बाकी ये शायद ड्रैगन वाला झूला लेते हैं, झूला लेते हैं अहमद भाई। मैंने ड्रैगन, ओ ठीक है मज़ा आएगा, वो शुगर लगेगा। ड्रैगन वाला भी देखते हैं, ये अगर मान गया तो ड्रैगन वाला झूला लेंगे। ये एडवेंचर वो झूले जो है क्या कहते हैं मतलब 5 बजे के बाद ही होंगे, लोग आएंगे तो फिर ये मज़ा, वो वैसे 2-3 बंदों में आता है। तो ये एडवेंचर क्लब सोच रहे हैं, ने कहा ये है एडवेंचर क्लब, ये भजन कर लोगे आप? जी कर लूंगा, आ जाओ चले। बातें कर रहे हो, नहीं कर पाओगे? बातें क्यों नहीं कर रहे हो, आ जाओ चले। मैं चले, ये कह रहा है कर लेगा तो देखते हैं। अच्छा तो मैं ये क्लाइंबिंग करने लगा हूँ अब, तो कैमरा मैन अब चेंज हो जाएगा, ये अब कैमरा मैन है, तो अब देखते हैं। डर लग रहा है, डर लग रहा है, और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह से। लेकिन चलो करते हैं कुछ, आप ही साथ जाओगे? फर्स्ट टाइम था तो आपने बताना है कैसा किया, अगर डेली आऊँ तो पूरा हो ही जाए है भाई। अब इसकी बारी है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एंड पे एक मिनट गला साफ कर, एंड पे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी क्योंकि फर्स्ट ट्राई था। बाकी अगर डेली करें या हफ्ते में एक बार भी तो मैं कर सकता हूँ शायद, मुझे लगता है। आपने बाकी बताना है कमेंट्स में कि सही किया कि नहीं। तो डॉजिंग कार में आ गए हम, पहले मैं चलाऊंगा फिर ये चलाएगा ताकि दो दो बारियां आए। बहुत तेज हो रहा है, बचपन की यादें ताजा हो गई।
फिर भाई का गेम। बचपन की यादें ताजा हो गई है। बहुत अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं। गारंटी में तो करते ही करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। देख लो आप, गारंटी नहीं है भाई जो 180 मारे। ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग, क्या बात है। चलो जी, डॉजिंग कार कर ली है। मतलब बस बोर्ड की सैडनेस है। आज सारी बचपन की यादें ताजा हो रही है। ये पापड़ कहेंगे अब हम। और पहले वजन कराते पकड़ी यार, वजन वजन कराने पहले 10 रुपए वजन। हाँ ये देख ले, 10 रुपए वजन। बगैर शूज के या शूज के साथ? उतारू शूज? नहीं भैया, पैर के ऊपर रखना है भैया। और की चाचे के ऊपर रख दे, इस तरह ही रखो भाई जान। किस तरह रखना है भाई यार? ऊपर आओ ऊपर, नीचे सीधा खड़े हो। 130 56 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? कम करना पड़ेगा। मुंह में घुसेड दे तूने। खैर काफी टाइम बाद आए और मतलब मजा तो आया ही। बैड सीन भी हो गया, डॉजिंग कार से मिली, बोटिंग जो ज़्यादा करनी थी, मैंने कहा वीडियो भी वहाँ अच्छी बन जाएगी, लेकिन मज़ा बहुत आया। बहुत साल बाद हैं, मतलब 5-6 साल हो गए हैं ना। 5-6 साल हो गए हैं, तो अब थक भी बहुत गए हैं। एक तो इतना पार्क जाते ही नहीं, अब तो चलने की आदत ही नहीं है। बंदा वही वाला, ठीक है गाइस, सब्सक्राइबर्स नाउ।